अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं तो कोई जवाब दिक्कत तो नहीं है। एजुकेशन के बारे में मैं कुछ नहीं पूछूं आप लोगों से। देखो बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है स्टॉक पे। हमसे पहले भी कोई सभा चली है या बाबा साहब की? बाबा साहब के विषय में कोई सभा चली है? पक्का? एक किताब दे सर। जो भी बच्चा सवाल का जवाब देगा साहब उसे गिफ्ट देंगे। तो बाबा साहब का संपूर्ण जीवन है, किस डेट पे क्या कार्य करेंगे, ठीक है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि क्या है? 14 अप्रैल 1800। बच्चे ने जो सही अपना जवाब दिया है, जो बच्चा जवाब देगा हमारे भी एक युवा क्रांतिकारी है भीमलाल जी, जो यहाँ बाबा साहब की विचारधारा को पूर्ण रूप से चार पांच आदमी है जिनके माध्यम से हमारे यहाँ ये हम बुलाएंगे तभी हम यहाँ आएंगे, क्योंकि हमारे लिए पहचान चाहे रोज दिख रहे हैं लेकिन सर इधर आ जाओ, अब मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो सवाल तुम्हारे लिए बहुत अटपटे होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास डिग्री कितनी थी? 22। हमारे ऊपर पूरा मुल्क हमारे ऊपर अंतरा, हम एक दूसरे पर 20 करोड़ आबादी है हमारी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे डिग्री थी। चलो कोई बात नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या देश में पढ़ाई करी थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी? 4 देश। बताओ। आ जाओ ऐसे आओ। क्या सर, क्या कह रहे हैं? कहते तू मैं जानता नहीं हूँ क्या, फोन बोल रहा है, बैठो आराम से, चलो बुलाओ, चलते हैं। 4 देश में कौन कौन से में? भारत, अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड। जर्मन में कौन सी पढ़ाई करी थी? जर्मन में है जी वकालत। आपने किताब पढ़ी है बाबा साहब की? पढ़ी थी। कौन सी? कोई बात नहीं, दे दो, हमारे दोस्त है पुराने, दूसरे नंबर पर कैटर इनका लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना 3 देश अभी तक लोग आएंगे वो अपनी बहुत 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 करेंगे, वो महापुरुषों की विचारधारा नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या करा है, अपनी अपवाद शुरू करने का, मैं यूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरी रूह और फलाना है ठिकाना। हम ये बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए आए हैं, ना कि अपनी विचारधारा या मेरी कोई आप लोगों के लिए। बाबा साहब लोग किताब में छप गया हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी उन्हें नहीं पता, उन्होंने किताब नहीं पता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 3 देश अमेरिका, इंग्लैंड और भारत। जर्मन में पढ़ने गए थे, डिग्री पूरी करा, शास्त्र पढ़ने गए, जो हमारे देश के अंदर जिसे ओनली केवल इस देश के अंदर ब्राह्मण पढ़ सकता था, संविधान नहीं चल रहा है आजादी से पहले, और कोई भी व्यक्ति देश का नहीं पढ़ सकता। तो जितने भी हमारे ये धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं वो केवल संस्कृत में लिखे हुए हैं, आप लोग MBA वाले हैं आप जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं इसलिए आप लोगों को ये बार बार सवाल कर रहा हूँ, पर्चा मेरी जेब में रखा है,
ताकि आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, नेट चलाते हो, तो शाम को ये रिसर्च करो कि जिस व्यक्ति को विश्वरतन सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ऐसे कैसे कह दिया गया। संसार में सबसे गरीब परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति संसार के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कहते हैं। तो अनपढ़ों से भी कोई सवाल नहीं है, पढ़े लिखे हो सर, आप पे पूछने का हमारा फर्ज भी है कि आप लोग पढ़ लिख रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD कौन सी चीज पे करी थी? डॉक्टर जो शब्द आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन सी चीज बात था? कोई है ये सवाल देश में आपसे कोई भी बताए? चल चल बता दो भाई, बता लड़की बताओ, बता दे बता बेटे कोई बात हां क्या सुना जी सही कह रहे सर ठीक है दे दो दूसरे दे दो। ये सवाल आपसे देश में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हमें जरूरी नहीं होगा। ये जो हमारे बाबा बैठे हैं बुजुर्ग, इन्होंने बहुत बुरा समय काटा है और आपका क्षेत्र तो वैसे भी जाट बहुत है, या तो साथ देना बहुत कड़ा। इन लोगों को पता होगा आपसे 50 साल 60 साल पहले का समय क्या था, हमारे बुजुर्गों ने कैसी स्थिति गुजारी है, यहां तक हम इतनी जल्दी आसानी से नहीं आते कि हमारे खानदान बहुत बड़े रईस रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं हमारे। हम सब लोग बाबा साहब की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, हमारे बीच हमारे पिता सुंदर लाल स्नेही जी हैं जिनकी उम्र भी 92 साल है और वो अपने विचार आपको रखेंगे। मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। मैंने एक सवाल करा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द जो लगता है डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने PhD कौन सी चीज पर करी? ये सवाल सही है क्या? हाँ, जो भी जवाब देगा गिफ्ट मिलेगा, बहुत तो ही मुख्य गिफ्ट देगा। भाव जी का स्वागत करो पहला। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। महाकारुण तथा भगवान बुद्ध परम पूज्य बोधि सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में हमारे जितने भी महान तो आवाज करते हो और आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, अभी जो हमारे गौतम जी आपके बीच में जो बाबा साहब के लिए जानकारी दे रहे थे, उससे पहले क्रांतिकारी प्रश्न सुने आपने, लेकिन यहाँ जो आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं वो क्रांतिकारी भाषण नहीं है, प्रेम पूर्वक प्रवचन है। अब तो आप कितना ग्रहण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, ये आपकी अपनी सत्ता है। ये क्रांतिकारी भाषण देना नहीं है, ये तो प्रवचन करना आए हैं कि बाबा साहब के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे वो शायद बता नहीं पाए, ऐसा मुझे लगा। आप लोगों ने बाबा साहब को सुना, उनके नारे को भी आप जानते हो, उस पर भी आप लोगों ने अमल किया था, शिक्षा पे ही किया, संगठित पर तो नहीं किया। जब संगठित नहीं है तो संघर्ष तो हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ये चाहते थे कि अभी गौतम जी ने बताया हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, इनके भी जो है पिताजी रहे हैं, वो चमार की अछूत की जिंदगी जीकर चले गए और हिंदूवाद के यातनाओं को सहन करते हुए कितना उनके साथ में कैसा जीवन उन्होंने गुजारा, यही चीज बाबा साहब को दुख रही थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरा समाज अछूत चमार की जिंदगी ना जी के, यदि बौद्ध की जिंदगी जिए, बौद्ध बनकर जिए, बौद्ध के संस्कारों को मानकर जिए, तो मस्तक ऊंचा रहेगा और मेरा समाज विदेशों से जुड़ जाएगा। लगभग 150 मुल्क बौद्धों के हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये कमी कहाँ रही, किसकी रही, क्यों रही, ये आप लोग सब जानते होंगे, हम भी जानते हैं। इसलिए बुजुर्ग अछूत की जिंदगी जी गए, उनके बाद ना हम लोग भी हमारी उम्र के यहाँ अछूत की जिंदगी जी गए,
उनके बाद में नवयुवक जो हमारे सामने बैठे हैं ये भी अछूत की जिंदगी जी रहे हैं, और ये जो छोटी छोटी प्रणाली आ रही है क्या ये भी अछूत की जिंदगी जी कर और ये बिल्कुल दबे रहने, क्योंकि ये हीन शब्द है चमार का, अछूत का, शूद्र का हीन शब्द है। इस हीन शब्द ने हमारे समाज के मनोबल को एकदम गिरा दिया। कितने भी विद्वान हैं हमारे बीच में और एक कितना ही जो है कितना ही कम पढ़ा लिखा है दूसरे समाज का, जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो पता लगता है, जैसा अभी वकील साहब ने बताया, हमने पूछा कितनी अच्छी डिग्री हैं, कितने अच्छे पढ़ने हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई जब ये पूछ ले ना वो ब्राह्मण जाट गुज्जर कौन भैया, तो आधे तो हम जब मर जाए, आधे जब मर जाए हैं, जब हम अपने आप कहेंगे पढ़ा लिखा ऐसे कह दें, अनपढ़ कह दें कि चमार, और समझा समझा भैया हम तो शूद्र हैं। तो देखिए हम तो शक्तिहीन हो गए। यही शक्ति पैदा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा समाज पहले भी बौद्ध था इस मुल्क में, इस देश में, भारत में, और आज भी अपने ही उसी जो मकान में आ जाए और वो अपने को बौद्ध कहे, गर्व से कहे, और वो गर्व से कहेगा हम बौद्ध हैं, ये आवाज़ 150 मुल्कों में पहुँचेगी। आपने पढ़े लिखे हैं, आपने सुना होगा 10 साल हो गए, 10-11 साल एक ईसाई महिला पर दुष्कर्म हुआ। ईसाई मुल्क हैं या बौद्ध मुल्क हैं या इस्लाम मुल्क, हिंदू मुल्क नहीं है कोई, भारत के अलावा एक ईसाई महिला पर जुल्म हुआ। ईसाई मुल्कों ने आज भी भारत के जो है शासन करने वाले के गले का अंगूठा रखा हुआ, दबाया हुआ है कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ चाहे 10 ईसाई हो, मुल्क तो बहुत है, इसलिए भारत का शासन डरता है उनसे। यदि बाबा साहब चाहते थे हमारे समाज बौद्ध बन जाए तो हमारे भी 150 मुल्क हमारे साथ रहेंगे, और जो हम पर जुल्म करेगा वो खड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ का हिंदुओं का शासन जो है हमारे समाज का अभी नहीं हो सकेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन हम कहाँ आ गए, उन बातों को तो भूल गए, शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नंद कर्मचारी बने, अधिकारी बने, देन उनकी है बाबा साहब की, परंतु वैष्णो देवी जा रहे हैं, कितनी भूल है। आज भी अगर आप पढ़े लिखे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं इंटर बीए और जो है अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, अगर बाबा साहब को पढ़ते हैं तो पढ़िए और जानिए, अपने को बौद्ध मानिए, चमार अछूत मत मानिए, ताकि आने वाली प्रणाली देखिए समय कम है हमारे बीच में, वक्ता बहुत हैं हमारे जो हैं आपके बीच में जो है मुख्य वक्ता, जिनके सारे पर हम भी चल रहे हैं। एक थोड़ा सा बता दूं, विश्वविद्यालय सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक वो तो कितने धनवान हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने कॉलेज हैं उनके पास, उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी दी हुई है, लाखों बच्चे वहाँ से MBBS डॉक्टर बनकर निकलते हैं, लाखों इंजीनियर बनकर निकलते हैं, लाखों अपने अपने ट्रेड से वहाँ से शिक्षा पाकर निकल रहे हैं। वो आदमी जो है भगवान से कम नहीं हो सकता, इसलिए कहा है बिगाड़े काम और भला जो जब का करता है उसे महान कहते हैं, समझ और सोच कर करता उसे इंसान कहते हैं, और बिना सोचे जो कर गुजरे उसे नादान कहते हैं, निकाले हर जो मुश्किल का उसे विद्वान कहते हैं, और उठाए जो भी गिरतों को उसे भगवान कहते हैं।
साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको गिरे हो भगवान बुद्ध ने समाज को बिल्कुल जो है गिरे हुए को उठाया है, उनको हम भूल गए। जिन्होंने हमारा शोषण किया है उनके पीछे हम पड़ रहे हैं। लिहाजा बाबा साहब को मानने वाले हो तो आज ये शब्द लेकर जाइए कि किताब पढ़ेंगे घर में तो बाबा साहब की, जो अनपढ़ हैं हमारे बुजुर्ग उनको सुनाएंगे और अछूत की जिंदगी न जीकर घर से कहेंगे हम बौद्ध हैं, बौद्ध की जिंदगी जीकर आगे बढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, संगठन करेंगे और संघर्ष करेंगे। नमो बुद्धाय।